कुछ बारीक जी इतनी रखी है कुछ पता नहीं चल रहा कि ने दाढ़ी रखी या नहीं रखी। शरी हकी क्या क्या खत करवाने चाहिए उतो थल्यो या नहीं करवाने चाहिए। मुख्तार भाई हर तरफ इफरात और तफरीत है, इंतहा पसंद लोग हैं। एक तरफ वो है जिनका आपने बयान किया अपनी मर्जी की थोड़ी थोड़ी पर रखी है, लकीर सी रखी है, ना रखने के बराबर वो भी गलत बात है। दाढ़ी सारी रखनी चाहिए, पूरी रखनी चाहिए, उसको लटकने भी देना चाहिए। छोटी सी नहीं अरकू का लफ्ज दिया था ना कि उसको लटकाओ, तो बाल थोड़ी से नीचे भी होना चाहिए लटके, यानी पता से चले दाढ़ी रखी दाढ़ी। दूसरी तरफ लोग कहते हैं रुखसारों के बाल भी ना चुनो, जरा भी ना मुंडो, ये भी खाम खा की बात है। इसको कहाँ दाढ़ी कहते, दाढ़ी तो लहयान, ये चबाड़ा जो आ रहा नीचे, इस पर जो बाल उठते हैं वो, ये अलग हिस्सा है, गला अलग हिस्सा, सब क्या है जुदा जुदा नाम है, दाढ़ी कहाँ होगी। बस लंबाई साइज तक कितों तक एक स्टैंडर्ड है? नहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं दीन ने मुकर किया। बस ये है कि रखनी कितनी होनी चाहिए, रखनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि बाल जो है ना वो नीचे लटके, अरफू पूरा हो। चले आपकी दाढ़ी इतनी हो कि मोहल्ले वाले आपको मौलवी साहब या सूफी साहब तो कम अज कम कहे ना दाढ़ी की वजह से। हाँ ये तो ठीक है, जब कहने लग जाए तो समझ गए कि आपकी दाढ़ी पूरी है। दाढ़ी रखनी चाहिए, लंबी भी करनी चाहिए। मौलाना आपकी बात से तो यही निकलता और होता भी ऐसे ही है कि थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हो जो वाकई लटकी हुई हो तो मौली साहब और सूफी साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी मौलाना, वो बात उधर की जो हो रही थी ना वो हदीस पाक ना रह जाए ताकि लोगों को दीन के मिजाज की समझ आए, अल्लाह तंग नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हां साहब, मौलाना साहब से सवाल ये पूछना था कि नमाज तहज्जुद के मुतल्लिक फजीलत बता दें थोड़ी सी उसकी। नमाज तहज्जुद की फजीलत आप पूछ रहे हैं कि मौलाना उसको वाजे फरमा दें जी, थोड़ी सी ईमान ताजा हो जाए। ठीक है, ईमान ताजा करना चाहिए। आपने फरमाया कि तुम पर लाजम है कि रात की नमाज पढ़ो, फैन दाब सारी ना कबला कुम, तुमसे पहले भी जितनी उम्मतें गुजरी है उनके सब नेक लोगों का तरीका रहा। ये दीन का ऐसा रहा कि रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह को याद करो, वाह कुर्बत निला रब्बकुम, ये तुम्हें अपने रब के बहुत करीब कर देता। फासले मिट जाते हैं, दुनिया के हंगामा में फंसे तो नमाजें पढ़ें भी ना, तरह तरह के ख्याल हैं। ये तो अशद वतन वकवा मकीला, दिल से बात निकलती है और खूब असर करती है। ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, मगफरत सयाद गुनाह मिटते हैं। फरमाया अगर ज्यादा नहीं तो दो रखते हैं उठकर पढ़ लो, जितनी देर में बकरी का दूध धोआ जाता, अजान फजर से पहले पढ़ लो, गाफलों में से नहीं लिखे जाओगे। जब अल्लाह ताला खुद आते हैं और ऐलान करते हैं कि मांगो तो मांगना, अब जो बदनसीब सोया रहा है उसकी किस्मत वो पर रो ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल मेरे भाई इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ये दिन के वक्त सुनते हैं मुकदा गैर मुकदा की इतनी परवाह नहीं जितनी तहज्जुद की करनी चाहिए। ये तो कुरान बताता, हदीसें नहीं, कुरान बार बार कह रहा कि रात के वक्त उठो। जी मौलाना साहब, बाद लोग कहते हैं कि तहज्जुद के टाइम दुआ मांगते हैं, अल्लाह वादा करता है कि जो मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है, लेकिन बाद लोग मांगते हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होती, तो उसके मतलब यही मेरे भाई ये तो सिर्फ तहज्जुद की दुआ का ही नहीं, हर वक्त अल्लाह कहता है जो मांगोगे मैं जरूर कबूल करूंगा। अब उस पर सवाल जो लोग करते हैं कि हम मांग के रहे, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह कोई ऐसी बंदूक हो कि उसमें गोली नहीं, अदाई बिला अमल, अमल तो शरीयत पर करते नहीं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। करामी बेकौसन बिला वतर, ये ऐसी कमान के साथ तीर चला रहे हैं जिसमें अबतर ही नहीं, कोई उसमें तंदी नहीं लगी जो तीर को खींचे, तो अल्लाह क्यों माने इनकी। हराम खोर है, रिज्क हराम है, अल्लाह की शरीयत के मुखालिफ हैं। जो नेक लोग हैं उनकी कबूल करता है, मगर कबूल करने पर अगर हमें हम ये कहेंगे जो हमने कहा वो करे, ये तो हम हाकिम बन गए अल्लाह पर। आपने दरख्वास्त दे दी, क्या करना उस पर ये खुद वो आलम जानता है, दाना जानता है, वही चीज़ देगा देर सवेर, उसके बदला में कुछ नेमत देगा, कोई मुसीबत किस्मत में लिखी थी वो टल जाएगी, वरना आखिरत के लिए रख लाएगा पढ़ने के पढ़िया तेरी देर दरख्वास्त ले रहा। तो दुनिया में जिनकी मेरे बच्चे मानेंगे वो उस वक्त रोएंगे कि काश कोई भी कबूल ना होती, वो क्या सी फानी चीज़ें जरेगी, जाये नहीं जाती बशर्ते कि वो मुत्ती हो, मोमिन हो, हलाल रिज़्क़ खाता हूँ। बेईमानों की दुआएं तो रज़ी में अल्लाह फेंक देता हूँ, क्या मैं सुनूँ। जी जी रोज़े के बारे में, रोज़े के बारे में मैं हदीस पाक ईमान ताज़ा करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारा साहब ये बताएंगे
टेलीविजन की आवाज कुछ कम करेंगे आप जी? हाँ कर लें, कर लें। जब एक बंदा तलाक दे देता है एक, तो उसके बाद जब वो सुलह करता है तो उसके ऊपर कोई हदिया वगैरह तो नहीं ना लगता? नहीं, कोई हदिया नहीं, बस यही बहुत है कि उसने अकल कर ली और समझ गया, सुलह कर ली, घर आबाद कर लिया। अच्छी बात है, दीन ने हमें मौका दिया है, हमारे भले की बात ही अल्लाह ने ये बताई। और दूसरी बात ये है कि जब बंदा तलाक तीनों दे देता है तो उसके बाद वो दोबारा निकाह कर सकता है कि खुला होना जरूरी है? खुला कहाँ से आ गया? खुदा खुदा की बात यहाँ कहाँ से आ गई? तीन तलाकें भी अगर दी हैं तो समझे एक ही दी है, ये तीन को भूल जाएं, ये तीन देना हजार देना कोई फायदा नहीं इनका, ये सब जाए, एक वक्त में एक ही तलाक शुमार होगी, बेशक कितनी लिखी ना एक गिननी है। तीन हैज तक सुलह की गुंजाइश है, तीन हैज अगर गुजर भी जाए दोबारा उनका निकाह कर देंगे डायरेक्ट, कोई हलाला वगैरह नहीं। जी खुले का क्या पूछ रहे थे? कोई खुला का जिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है, खुले की बात चले। रोजे के मुताबिक पाक थी कि सिर्फ चार मील जाना था हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब सिर्रे रसूलल्लाह, साथ ही समुंदर था, कश्ती में सवार हुए, कहा लाओ खाना, मकान अभी नजर आ रहे थे अपने, कुछ जो थे उन्होंने कहा ये क्या हुआ अभी तो कोई नहीं, उन्होंने कहा तुम सुन्नत से मुंह मोड़ते, तुम्हें रसूलल्लाह की सुन्नत से रूगर्दानी की है, जब सफर शुरू कर लिए बस छुट्टी मिल, घर में रखा था, मगर ये उलमा हज़रात कहते हैं नहीं कर रहा है सफर तो छोड़ सकता है, घर में रखा था तो पूरा करना बेशक मर्द है, दीन नहीं ये कर, घर पर रखा था ये कह नहीं, अगर सफर शुरू हो गया आप महसूस करते हैं तंगी होगी तो छोड़ देना चाहिए, बल्कि नहीं भी तंगी तो खुश होकर कह लो तेरी मेहरबानी तेरे रसूल की इनायत हमें तंगियों से छुड़ाया, आप तो खाते पीते हैं घर जाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं जी मियां साहब आपको और लामा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह आजर दे आप, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। बात ये है कि दुआए कुनूत जो है मित्रों में पढ़नी लाजम है, अगर बंदे को दुआए कुनूत ना आती हो तो बंदा क्या करे? बिल्कुल आपके दोनों सवाल ठीक है, एक तो जो है ना कि वितर में दुआए कुनूत पढ़नी लाजम है, जिसको कह देते हैं वाजिब है, छूट जाए तो फिर सजदा साहब करना, ये बात बिल्कुल बेदलील है बेसबूत है, कुनूत पढ़नी सिर्फ मुस्तहब है, अगर कोई पढ़ ले तो अच्छा है, वरना छोड़ दे जान बूझ कर छोड़ दे तो नमाज में कोई खलल नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा साल कभी वितर में कुनूत नहीं पढ़ी, और इमाम मालिक ने इसी को इख्तियार किया कि क्यों पढ़नी है, इसलिए कोई बात नहीं पढ़ेंगे तो इब्ने मसूद रज़ी पढ़ते थे, तो सिर्फ मुस्तहब का दर्जा नफली नेकी है, इतना परेशान होने की बात नहीं, सब बहन भाई अगर आती है तो पढ़नी चाहिए। नहीं सुन लें, आती है सबको, आती क्या कुनूत कहते हैं आज ही से दुआ को, आप जो दुआ भी करेंगे ना दिल लगा कर वो दीन में दुआ कुनूत है, ये समझ लें, अल्लाह नस्ताइनों का या अल्लाह महदेज पढ़ने का नाम नहीं कुनूत, आपने हाथ उठाए या बांधे रब्बना दुआ करनी, जो कहते हैं ना तीन बार कुल वाला पढ़े ये तो जालिम है, कुल वाला दुआ है, दुआ करने का हुक्म है, जो आप कर लेंगे और नहीं आती इतना ही कह दें रब्बे फिर ली मेरे अल्लाह मुझे बख्श देना, किस्सा खत्म, ये भी एक अच्छा काम है, अगर नहीं भी करेंगे तो फितर आपका दुरुस्त। दूसरी बात ये है कि एक हदीस पाक पढ़ी है, वो पता करना था कि वो सही है कि अच्छा है कि हुज़ूर नबी रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रब्बी जालनी मकी मसलात व मिन ज़ुर्रियाती रब्बना तक़बल दुआ रब्बना गफ़िली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना, जो रब्बना गफ़िली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे एक जितने भी अपना मुसलमान है उतने बराबर सवाब देता है, यानी कि एक अरब मुसलमान नया ख्याल आजकल कह रहे हैं उस लिहाज से एक अरब जितनी नेकियां मिलती हैं बंदे को। ये जो है ना आपने कहा बात तो ठीक है, मगर वो दुआ और है ये नहीं जिसके बारे में कहा, तो और जो मौजूदा तादाद है ये नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक जितने होंगे उनके बराबर सवाब मिलता, वो है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, ये दुआ आपने सिखाई है कि जो ये बंदा खुलूस नीयत से कहता कि अल्लाह जितने ईमान वाले मर्द औरतें हुए और होंगे सबको बख्श दे, अल्लाह खुश होता कि सारे जहान की इसको आ रहा है ईमान की फिक्र, तो अल्लाहुम्मा अग़फिर।